Hello, good morning students. Welcome back in your computer class. In today's lecture, we learn about the introduction of computer. Okay? In our previous lecture, we learn about the keyboard. Keys of keyboard. Okay? Now in current lecture, we learn about the CPU, monitor and mouse. There are four parts of computer: CPU, keyboard, monitor and mouse. Okay, now we learn about out of three parts of the computer, which are the CPU, monitor and mouse. Okay, now let's open your textbook. Open your computer book and come on the page number 5. Okay, in our previous lecture we learn about the keyboard. Now in current lecture we learn about the monitor, CPU and mouse. Okay, then let's learn what is the monitor. देखते हैं monitor क्या है. Monitor is a display unit. Display है मतलब screen है computer का, जिसपे हमें सब दिखाई देता है, जो हम टाइप करते हैं, जो हम सर्च करते हैं, हम सब चीजें जहां देख सकते हैं उसे बोलते हैं डिस्प्ले यूनिट. मीन्स दैट इज द मॉनिटर. इट लुक्स लाइक टेलीविजन. किसके देश जैसे दिखता है वो? टेलीविजन मतलब कि टीवी के जैसे दिखता है. ये है हमारा मॉनिटर. ओके, इसका यूजेस क्या है? The monitor is used for displaying, मतलब जो भी चीजें हमें देखनी हो उसके लिए monitor का use होता है. Whatever is typed from the keyboard, keyboard पे हमने क्या type किया है वो हमें कहाँ पे दिखेगा? Computer के display पे, मतलब कि monitor पे दिखेगा. Result that computer has to show us, मतलब कि जो आपने type किया है वो आपको, जो सर्च किया है, जो टाइप किया है, जो आपको देखना है क्या सर्च किया है आपने, क्या टाइप किया है, वो सब आपको कहाँ पे दिखेगा? कंप्यूटर की स्क्रीन, डिस्प्ले यानी कि मॉनिटर पे, जो टीवी के जैसा दिखता है. ठीक है. देयर इज द बॉक्स इन विच वी गिव अबाउट समथिंग ऑफ द कंप्यूटर. व्हेन कंप्यूटर रन फॉर अ लॉन्ग आवर्स, दे हैव गेट हीट अप. अगर कंप्यूटर को हम बहुत देर से चला रहे होते हैं, दो तीन घंटे, चार पांच घंटे कंटिन्यू हम चलाएंगे, तो वो हीट हो जाएगा. हीट मतलब कि गर्म हो जाएगा. जैसे हम फोन यूज करते हैं या फिर टीवी देखते हैं, तो वो भी बहुत देर तक देखते हैं तो वो चीजें गर्म हो जाती हैं. वैसे भी कंप्यूटर भी गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है. दैट्स व्हाई दे हैव फैंस इनसाइड देम व्हिच कीप्स देम कूल. इसकी वजह से कंप्यूटर के अंदर ऐसा फैन फिट किया होता है जिससे उसे कूल होने का मिलता है. और हमें कंप्यूटर सेट भी ऐसी जगह पे करना चाहिए जहां वो इजीली कूल हो सके, मतलब कि जैसे कि विंडो के पास या तो फिर एयर कंडीशन वाले रूम में जहां उसको कूल मिले. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज सीपीयू. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द सीपीयू? द सीपीयू इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फर्स्ट लेटर निकाल के बना है वर्ड सीपीयू. इट इज नोन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. कंप्यूटर का ब्रेन कौन सा है? सीपीयू. अगर सीपीयू नहीं है तो कंप्यूटर भी काम नहीं करेगा, बिकॉज ब्रेन के बगैर तो कुछ काम हो ही नहीं सकता है. जो भी फाइल का स्टोरेज होता है, माइक सेटिंग होता है और बहुत सारी चीजें जो होती हैं, जो कंप्यूटर के सीपीयू से कनेक्टेड होती हैं. ठीक है. All parts of computers are connected with the CPU. जैसे हर एक चीज की वायर कनेक्ट किससे होती है कंप्यूटर में? सीपीयू से ही होती है. यूज
इन कंप्यूटर ऑल कैलकुलेशंस आर परफॉर्म्ड बाय द सीपीयू। जो भी हम कैलकुलेशंस करते हैं वो सब कहाँ से होती हैं? ब्रेन से, यानी कि कंप्यूटर में सीपीयू से होती हैं। ओके, इज इट क्लियर व्हाट इज द सीपीयू? कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द सीपीयू? कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। हियर वी लर्न अबाउट द माउस। व्हाट इज द माउस? माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस। माउस क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस है। जैसे कि हम कुछ शो ऑफ करते हैं, दिस इज द स्कूल, मतलब हम इस पॉइंटर उंगली से हम दिखाएंगे। वैसे ही कुछ चीज शो ऑफ करनी होती है तब हम माउस का यूज करते हैं। जैसे कि मैं एक सेंटेंस लिखती हूँ, दिस इज माय कंप्यूटर बुक, आई लाइक टू रीड एंड लर्न इट। ओके, अब मुझे कुछ शो ऑफ करना है, जहां कुछ चीज पे सर्कल करना है, या फिर हम कंप्यूटर में लिखते हैं तो हमारा कर्सर इधर होता है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे एक कर्सर दिखेगा आपको जो उसके साथ आगे बढ़ेगा। अब इस कर्सर को मुझे यहाँ ले जाना है। सपोज मुझे आपको कुछ शो ऑफ करना है, इधर कुछ मुझे ऐड करना है, रिमूव करना है, या कुछ भी करना है, तो मैं इस कर्सर को पहले इधर लेकर आऊंगी, ठीक है, जहां मुझे चेंजेस करने हैं। तो वो कर्सर इधर कैसे आएगा? माउस से। कैसे आएगा? माउस से आएगा, ठीक है। इट लुक्स लाइक अ रियल माउस। ये कैसे दिखता है? जैसे हम रियल में माउस देखते हो, जैसे कि रेड। रेड कैसे होता है? आगे से छोटा होता है, फिर उसके उसकी एक टेल होती है। वैसे भी ये आगे से छोटा है और पीछे उसको एक टेल जैसी वायर है। इट इज कनेक्टेड टू द सीपीयू बाय अ वायर। ये जो माउस है वो सीपीयू से कनेक्टेड होता है। और किससे कनेक्टेड होता है? वायर से कनेक्टेड होता है। जैसे हम काम करते हैं हमारे हाथों से, और हमारे हाथ को कौन सा काम करते हैं? जो उनको ब्रेन से ऑर्डर मिलता है वो काम हमारे हाथ करते हैं, ठीक है। अगर ब्रेन से आपको संदेश मिलेगा, इंस्ट्रक्शन मिलेगी कि आपको कुछ लिखना है, तो आपके हाथ को पेंसिल लेंगे और लिखेंगे। वैसे ही सीपीयू से जो इंस्ट्रक्शन मिलेगी वो काम माउस करेगा, ठीक है। माउस सीपीयू से कनेक्टेड होता है। इट हैज टू और मोर बटन्स। इसमें कितने टू से ज्यादा बटन होते हैं? अब हम इसके यूजेस देखेंगे। द माउस इज यूज्ड फॉर पॉइंटिंग एट ऑब्जेक्ट्स। कुछ चीजें दिखाने के लिए, पॉइंट करने के लिए, मतलब पर्टिकुलर चीज मुझे शो करनी है, दिखानी है, तो हम किसका यूज करेंगे? माउस का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे मैं आपको बोर्ड पे समझाती हूँ तो मैं आपको स्केल रख के समझाती हूँ कि कुछ शो ऑफ करना होता है तो मैं आपको स्केल रख के दिखाती हूँ। ऐसे ही जब कंप्यूटर में दिखाना होता है तो किसका यूज होता है? माउस का यूज होता है। मेकिंग अ ड्रॉइंग, कुछ ड्रॉ करना है तो उस पर क्लिक करके हम उसको दिखाएंगे कि ये चीज मुझे ड्रॉ करनी है, या तो फिर मैंने ये ड्राइंग बनाया, तो वो कैसे बनेगा? माउस से बनेगा, ठीक है। और प्लेइंग द गेम्स, कुछ गेम प्ले करनी है तो भी हम माउस से प्ले करेंगे। ओके, यूजिंग माउस, फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एक्शंस कैन बी परफॉर्म्ड यूजिंग द माउस, ठीक है। कौन कौन सी चीजें हम माउस के द्वारा कर सकते हैं? क्लिक भी दो टाइप की होती है, राइट क्लिक, डबल क्लिक, ड्रैग एंड ड्रॉप।
We learn about this all in our next lecture. Using of mouse, we learn our next lecture, okay? In current lecture, we only learn about the monitor, CPU and mouse. We learn that what is the monitor? What is the monitor? What is the CPU? And what is the mouse? Okay, uses of the mouse we learn in our next lecture. Okay. Okay, student, we complete this session of computer here, in which we learn about the monitor, mouse and CPU. What is the full form of CPU? Control Processing Unit. Okay. Please revise this video once again. We will discuss about in our live lecture. Till then.